अन्नम अंबर कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई। और वो कह रही थी कि आज भी तुम्हारे घर जा रही है। और ये कौन से नोट्स हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहे? अभी मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। कहाँ हो? मेरा फोन उठाओ फौरन, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप प्लीज गाड़ी जल्दी चलाइए। भाई तुम्हारी गर्मा गर्म चाय मुझे हमेशा फ्रेश कर देती है। मुझे पता था कि मेरे अब्बू थक कर आए होंगे, इसलिए तो कड़क चाय बनाई। लगता है ना मागे। नहीं नहीं अम्मा आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम रेहाना खाला, अंदर आए आप। वालेकुम अस्सलाम। वो अंबर को बुलाएं, मैं जल्दी में हूँ। अंबर तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब बेटा? वो कल भी यहाँ आई थी और अनम के साथ नोट्स बनाने, बल्कि अनम ने खुद मुझे फोन करके इजाजत ली है। और आज अंबर की कॉल आई थी यूनिवर्सिटी से कि मैं अनम की तरफ जा रही हूँ, अम्मी कल के नोट्स मुकम्मल नहीं हुए। और अनम ने भी फोन करके मुझे यही कहा है। नहीं खाला, वो कल भी यहाँ नहीं थी और आज भी यहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो? अनम कहाँ है? मैं उसे खुद पूछती हूँ, हटे आगे से। खाला आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या ड्रामा रचाया हुआ है? बुलाया उसे, कहाँ है वो? मैं उसे खुद बात करती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं रेहाना बहन? आप आराम से बैठे ना, आराम से बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मैं अपनी बेटी अंबर को लेने आई हूँ। वो तो यहाँ आई नहीं। अनम ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि वो यहाँ आई हुई है नोट्स बनाने, बल्कि आज भी अनम और अंबर ने मुझे फोन करके यही बताया है। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? देखिए मेरी जवान जान बेटी है, कहाँ गायब किया इसको? बल्कि मैं अपने मियाँ को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ कि यहाँ पुलिस बुलाए। पुलिस? खुदा के लिए पुलिस को ना बुलाए, वहाँ हमारी बदनामी होगी। देखिए बहन, इस मसले को मिलकर हल करते हैं। अगर पुलिस को बीच में डाल लिया तो दोनों घरों की बदनामी हो सकती है। तो फिर कहाँ है अनम? बुलाए उसे। अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई है। दीजिए, आज फिर टकराव। आज ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। अंबर कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो कल तुमने खुद मुझे फोन करके कहा है कि अंबर तुम्हारे साथ नोट्स बनाने गई है, और आज तुम झूठ बोल रही हो कि वो तुम्हारे साथ आई नहीं। ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? अनम बताओ सच क्या है? अब्बा मुझे अंबर ने ऐसा करने के लिए बोला था। क्यों? मुझे नहीं पता। देखे इसको सब कुछ पता है, ये उसके साथ मिली हुई है। सच सच बताओ वरना वो तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम याद रखोगी। बोलो सच बताओ। अंबर दिलावर से मिलने गई थी, वो उससे मोहब्बत करती है, मगर उसके अम्मी अबू नहीं मान रहे थे। देख लिया आप लोगों ने किस तरह इसने उसका साथ दिया। अगर मेरी बेटी भाग गई ना घर से, उस जुर्म में ये भी बराबर की शरीक है। मैं अभी खालिद साहब को फोन करती हूँ कि वह फौरन जहां पुलिस लेके आए। खालिद साहब अंबर यहां नहीं है, और तुम फौरन पुलिस लेके इनके घर पहुंचो। भाड़ में गई ऐसी इज्जत, जिस इज्जत की हिफाजत कर रहे थे ना, आपकी बेटी ने अंबर के साथ मिलकर इसको तार तार कर दिया।
अंबर को तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अनम भी नहीं बचेगी।